आईपीएल 10 में मंगलवार को न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और गुजरात लायंस के खिलाड़ी ब्रैंडन मैकलम ने अद्भुत खेल भावना का परिचय दिया। उनकी इस खेल भावना से विरोधी आरसीबी के कप्तान विराट कोहली भी काफी प्रभावित हुए। बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे मैकलम ने तूफानी गेल का एक बहुत मुश्किल कैच पकड़ा, लेकिन फिर उन्होंने खुद ही कहा कि शायद उनका हेड जमीन को छू गया है। मैकलम ने जिस खेल भावना का परिचय दिया है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैकलम बाउंड्री के पास फील्डिंग कर रहे थे, 8वें ओवर की 6ठी गेंद थी, स्ट्राइक पर थे 18 गेंद खेलकर 38 रन बना चुके क्रिस गेल। स्टार बॉलर रविंद्र जडेजा ने बॉल फेंकी और गेल ने ताकतवर शॉट खेला। सचेत मैकलम थोड़ा सा उचके कैच लपका, शरीर हवा में झूल गया और जमीन पर गिर पड़े। विकेट के लिए संघर्ष कर रही गुजरात के खेमे में खुशी की लहर छा गई। जडेजा झूम कर दौड़े और अंपायर ने एक बार आउट का इशारा कर थर्ड अंपायर के पास आखिरी फैसले के लिए भेजा। इस वक्त तक शायद मैकलम को हेड छूने का एहसास हुआ और उन्होंने इसका इशारा किया। विराट कोहली क्रीज से उनके पास आए, गर्मजोशी से हाथ मिलाया और कंधे थपथपाए। NMF न्यूज की रिपोर्ट।